पटना में आजकल खुदाई का सिलसिला लगातार जारी है। जगह जगह जेसीबी से खुदाई की जा रही है और गड्ढे करके वैसे ही छोड़ दिया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे सहयोगी ने लोगों से खास बातचीत की है, देखिए इस रिपोर्ट को। नमस्कार, मैं अनुष्का और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। अभी हम मौजूद है पटना के किदवाईपुरी में और यहाँ पे जेसीबी से पाइपलाइन की खुदाई चल रही थी और ये जेसीबी बीच रोड में रखा गया। ऐसा पता चला है कि ये जेसीबी 12 साल का एक बच्चा चला था बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर के। और जैसा कि आपको बता दें कि इसके सामने एक मकान है जो इसके कारण काफी ज्यादा उसको नुकसान हुआ है। उसकी दीवारें भी हिलने लगी थी, यहाँ तक कि इस मकान मालिक को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, ना ही किसी वारंट ऑर्डर के, ना किसी प्लानिंग के। ये सीधे यहाँ पे खुदाई स्टार्ट हो गई है। यहाँ के लोगों से बात करते और जानने की कोशिश करते कि आखिर जो ये खुदाई चल रही है इसके कारण जो रोड पे नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई कौन करेगी। बताइए कि आपका बिल्डिंग है। मेरी बिल्डिंग है और मुझे जिस भी डिपार्टमेंट ने काम सौंपा है मुझे बिल ऑफ क्वांटिटीज देखना है, क्योंकि ये लोग मंदिर वाला जो रोड है वहां कोड़ के पाइप इन्होंने लगा दिया और ऊपर से रबिश भर दिया और फाइनल जो ग्रेवलिंग और ढलाई करना था इन लोगों ने किया नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, ये बराबर ऐसा होता है। इसलिए हम लोग इस रोड में काम नहीं होने देंगे, बिकॉज ये जो कर रहे हैं तोड़ फाड़, इससे मेरे बिल्डिंग को, मेरा बिल्डिंग हिल रहा है और मेरे जो किराएदार हैं वो लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। इसलिए मुझे इनका स्कोप ऑफ वर्क चाहिए कि इनके स्कोप ऑफ वर्क में क्या है। अभी तक इन लोगों ने कोई भी पेपर नहीं दिखाया, कोई भी पेपर कभी नहीं कोई किसी ने दिखलाया है। और यहाँ से ये जो लाइन ले जा रहे हैं, यहाँ से मेरे घर के अंदर पानी जाता है, ये लोग इसको कोड़ेंगे मेरे घर का पानी बंद हो जाएगा। ये काम कितने दिन से चल रहा है? ये आज ही शुरू किया है, तो हम लोग तो यहाँ काम होने नहीं देंगे। तो आपने कहीं कंप्लेन किया? हम कंप्लेन की करेंगे, जो लोग ये लोग आए हैं यहाँ, इनको इनको अगर मेरा बिहेवियर ऑब्जेक्शनल लग रहा है तो ये लोग जाए कंप्लेन करें अथॉरिटीज को। जो अथॉरिटी काम करे यहाँ पे, हम लोग उससे क्वेरी करेंगे ना, सवाल करेंगे। वो अगर पेपर पूरा दिखाते हैं, वो पूरा सब चीज समझाते हैं हमें, तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग क्यों करने देंगे। पता चला कि ये जेसीबी एक बच्चा चला रहा था, तो ये काफी बिल्कुल ये एक मुद्दा का विषय नहीं रखिए, कोई बच्चा है बिहार में, आपको पता है पहले ही बेरोजगारी है, इसे अलग मुद्दे पे ना ले जाए। मुद्दा तो हमारा यही है ना कि कुछ भी हो लेकिन चला रहा था एक बच्चा बिना किसी ऑर्डर के। नहीं, ऑर्डर वर्क ऑर्डर तो मिला होगा लोग, हाँ बिना ऑर्डर के वो चला रहा था क्योंकि उसका ड्राइवर नहीं था उस टाइम, वो मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी वो हमारे लिए स्पेसिफिक बात नहीं है। ये अगर सीनियर भी करेगा तो गड्ढा ऐसे ही करता, वो बिल्डिंग को डैमेज होता ही वो, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट तो दिखाना भी ऐसे गड्ढा हो चुका है। बिल्कुल, आप पीछे के रोड में देख लीजिए, अभी तक ठीक नहीं हुआ है वो। जो मंदिर वाला रोड है वहाँ पे इन्होंने क्या किया, आए कोड़े और पाइप बिछाया, मिट्टी लाद दिया, जो एक्सेस ग्रेवल था उसको रोड के साइड में डाल दिया और अभी आपको गाड़ी चलाने में वहाँ दिक्कत होगी। आगे जाते हो तो मंदिर वाला रोड है, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गड्ढा होते जाता है तो सरकार इसकी जिम्मेवार है क्या? पूरा ये काम सरकार कराती है ना, ये प्राइवेट कंपनी ले रहे हैं, टेंडर ले रहे हैं, गुजरात से कंपनी आई है वो टेंडर ले रही है यहाँ पे, तो ये काम करके चले जाएगी, सवाल कौन करेगा? आपने कंप्लेन क्यों, किसको कंप्लेन करना है बताइए, आप किसको कंप्लेन करना है? कंप्लेन किसी को नहीं करेंगे, जो काम कर यहाँ करने आ रहा है, वी विल स्टॉप देम फ्रॉम वर्किंग हियर टिल वी हैव द वर्क। नहीं नहीं, करेंगे हम वो प्रोजेक्ट पूरा दिखाएंगे कि कंक्रीटिंग बाद में है कि नहीं काम के बाद। और कंप्लेन का कितना सुनवाई होता है आपको पता है बिहार में? यहाँ क्राइम पे तो होता ही नहीं है कंप्लेन में सुनवाई, तो बहुत छोटा पर्पस है। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम सरकार के पास। अगर इससे आपकी बिल्डिंग को कोई नुकसान हुआ तो इसका कौन हर्जाना भरेगा? ये कॉन्ट्रैक्टर भरेगा, नहीं तो इसको यहाँ काम नहीं करने देंगे। ये काम जो चल रहा है इसका प्रॉपर पेपर कहाँ है? प्रॉपर पेपर ये है जो सर बोल रहे हैं, बीओपी हमारे वो बुक को ऑफिस से दिखाने को है। तो ये काम अचानक से स्टार्ट हुआ बिना सामने किसी को इन्फॉर्मेशन दी? ये अभी ब्रेकिंग हो रहा है, जब एक्सकेवेशन का काम ये करते हैं तो हम इंटीमेशन लेटर घर घर में देते हैं। आपने दिया है? अभी जब हमारा एक्सकेवेशन का काम होगा तो हम इंटीमेशन लेटर देंगे। रोड पे तो वर्क स्टार्ट हो चुका है? नहीं नहीं, अभी ओनली ब्रेकिंग इज गोइंग ऑन। स्टार्ट करने के पहले देना था, दो दिन पहले। सर मैं ब्रेकिंग का बात कर रहा हूँ, व्हेन एक्सकेवेशन वर्क इज गोइंग देन आई विल इंटीमेट यू। लेकिन ये जो रोड पे गड्ढे हुए हैं, कहाँ गड्ढे हुए? ये अभी चिपिंग हो रहा है ना, तो ये अगर भरेगा कि नहीं भरेगा? बनेगा, लेकिन इन लोगों का कहना है कि पिछले रोड पे जो गड्ढा वो अभी तक रोड में वो गड्ढा इसलिए है क्योंकि द पब्लिक हजार्ड्स आवर एम्प्लॉय एंड दे मिसबिहेव विद आवर एम्प्लॉय,
then that work will fully stopped by the local public. That's why where we can't work. Because if you don't do dhalai of the road, because the public sir, karegi na. Nahin, we will finish the road. इंजीनियरों का कहना था कि उन्होंने जब रोड नंबर 25 में काम किया तो यहाँ के लोग उनसे सही व्यवहार नहीं कर रहे थे, इस कारण उन्होंने काम छोड़ा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये इंजीनियरों का केवल बहाना है कहीं ना कहीं का, क्योंकि हर जगह का काम ऐसे ही छूटा हुआ है। पटना में हम कई सारे रोड पे जा चुके और देख चुके कि रोडों का हालत काफी ज्यादा खराब है। पिछले रोड में गड्ढा होना, इस रोड में उन्होंने कहा था कि आधा काम हो चुका है, लेकिन इस रोड को आप देख के एकदम कह सकते हैं कि ये रोड की हालत पहले से ज्यादा खराब है। यहाँ के लोग बस रोड तोड़ना जानते हैं, जोड़ना नहीं जानते। लोगों का कहना है कि अभी तक इनको कोई भी पेपर नहीं मिला है, लेकिन काम लगातार स्टार्ट है। कोई भी इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है कि आखिर सरकार के काम से अगर किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी पे नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। बार बार यहाँ के इंजीनियर पेपर दिखाने से मुकर रहे हैं और यहाँ तक कि वो मीडिया से भी दूर भाग रहे। अब देखना ये है कि क्या सरकार के जो नियम है या ये बस बड़े लोगों के लिए है या छोटे लोगों को भी इनसे कुछ होगा फायदा। रोड तोड़ देना तो काफी आसान का काम है, लेकिन कई सारे ऐसे जगह है जहाँ पे रोड टूट जाते हैं लेकिन बनने का नाम नहीं लेते। अब देखना यह है कि इस पे आगे की कार्यवाही कैसी होती है। तब तक के लिए ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ अजय भारत पे।